वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास. प्लेज आई कमलजीत कमिट टू बी विजुअलाइज एंड बेयर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. टू ऑलवेज वेयर अ मास्क फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेस. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Today we will start our 7th chapter of chemistry, that is hydrogen. As we know that बच्चा जो hydrogen है वो first element है हमारे periodic table का. Introduction. Hydrogen is the lightest of all the elements. जितने भी elements है हमारे periodic table में hydrogen सबसे ज़्यादा lightest है. क्योंकि जो इसके जो एटम्स है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है. द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड द प्रोटॉन. जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है. सिंबल हाइड्रोजन का एच है. एटॉमिक वेट क्या है? 1.008. एटॉमिक नंबर 1, वैलेंसी 1. मॉलिक्यूलर फार्मूला H2. मॉलिक्यूलर वेट 1.00 ग्राम पर मॉलिक्यूल. ठीक है. हाइड्रोजन की डिस्कवरी अब डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन 1776 हेनरी कैवेंडिश ने प्रिपेयर किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर की थी? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक. जिंक में हमने जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किया था हेनरी ने. उन्होंने इस जो भी प्रिपेयर किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया. उसके बाद उसने उसको इनफ्लेमेबल एयर करके एक नेम दिया. ही शोड दैट हाइड्रोजन ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर. उन्होंने बोला कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो वाटर प्रोड्यूस करेगा. लेटर लेवाइसर गेव इट प्रेजेंट नेम हाइड्रोजन. उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए लेवाइसर. उन्होंने उसका नाम हाइड्रोजन दिया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर, जीनस मीन्स प्रोड्यूसर. वाटर प्रोड्यूसर इन्होंने हाइड्रोजन का नाम दिया आफ्टर दिस. सबसे पहले जो हेनरी ने इनफ्लेमेबल एयर करके नेम दिया था. In 1777 he gave the name hydrogen. Hydrogen उन्होंने name दिया. He also recognized the elementary nature of sulfur. In 1785 he classified substance into two main group, organic compound like vegetable and animals and inorganic compound like minerals origin. Occurrence of hydrogen. अब hydrogen कैसे occur हुए? देखो बच्चा, free state और combined state. Basically free state जो hydrogen है वो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होता है. इट इज़ फाउंड इन ट्रेसेस इन वॉल्केनिक में, ट्रेसेस में फाउंड होता है. नेचुरल गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ इन पेट्रोलियम डिस्ट्रिक्ट्स. फ्री हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द सन एंड स्टार. जो फ्री हाइड्रोजन है वो सन और स्टार्स में मिलते हैं. आप बाकी जो फ्री स्टेट में लार्ज क्वान्टिटी में फाउंड नहीं होता है. कंबाइंड स्टेट की अगर बात करें, हाइड्रोजन वाइडली ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन वाइडली ऑकर है अर्थ में. इट प्रेजेंट इन वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, स्टार्च, फैट, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी एक्सेट्रा. कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन. ऐसे कौन से कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, वाटर, ग्लूकोज, शुगर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस ऑल आर द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन. ओके. नाउ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन सन. सन में हाइड्रोजन कैसे है? जो सन के जो इंटीरियर पार्ट बेसिकली हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं, जो कि फिर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में. कौन से फ्यूजन से? न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ ए न्यूक्लियर रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन सन इज मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर. न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो सन है अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है अर्थ. हाइड्रोजन इज फाउंड इन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन अर्थ. जो हाइड्रोजन है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अर्थ में फाउंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, एसिड्स HCl, HNO3, H2SO4, एनिमल एंड प्लांट्स. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन कंपाउंड्स. नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सब पहले हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड की. लेबोरेटरी में हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हमको HCl चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ग्रेनुलर जिंक्स चाहिए. ये थ्री चीज कंपोनेंट्स चाहिए टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इन लेबोरेटरी.
लेबॉरेटरी में मैथ हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वी रिक्वायर्ड वॉल्व बॉटल थीसर फनल डिलीवरी ट्यूब बिहेव शेल वाटर ट्रक गैस जार ग्रैनुलर जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर. लुक एट दिस डायग्राम लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमको ग्रैनुलर जिंक्स चाहिए, छोटे छोटे ग्रैनुलर जिंक्स चाहिए कुछ कुछ पीसेस की. हमने क्या किया, एक वॉल्व बॉटल लिया. लुक एट दिस वॉल्व बॉटल. वॉल्व बॉटल में जिंक ग्रैनुल्स को ऐड कर दिया. उस वॉल्व बॉटल के ऊपर जो फ्लास्क फ्लैट बॉटम फ्लास्क है जिसके ऊपर दो, ये जो फ्लास्क है इसकी दो ओपनिंग होनी चाहिए. एक ओपनिंग में हमने क्या कर दिया, थीसर फनल को ऐड कर दिया. उसके बाद इस थीसर फनल के थ्रू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर पोर किया. ठीक है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक ग्रैनुल्स के ऊपर एक्शन होगा तो ये गैस प्रोड्यूस करेगा. ये जो गैस है वो इस डिलीवरी ट्यूब से पास होगा. और लुक एट दिस, यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी. इसमें हमने क्या किया, जिंक ग्रैनुल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया. अगर आपको लग रहा है कि जो ये प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है तो हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड नाउ केमिकल रिएक्शंस क्या है. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गेव जिंक सल्फेट और H2 बाहर निकल गया. जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 और हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया. आपको हाइड्रोजन मिल गया, मतलब ये जो रिएक्शन होते हैं ये मतलब गैस है. हाउ टू कलेक्ट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. हाइड्रोजन लाइटर एयर से लाइट होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है इसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में कलेक्ट नहीं कर सकते. एज हाइड्रोजन फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो मिक्सचर हो सकता है एयर के साथ. हाउएवर हाइड्रोजन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हाइड्रोजन है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाटर में सॉल्यूब नहीं हो सकती है. इन द गिवन अपैरेटस हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. यहाँ पर हमने क्या किया, अपैरेटस में हाइड्रोजन गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में कलेक्ट किया है. प्योर हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर मर्कुरी, और जो प्योर हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर में मर्कुरी में कलेक्ट हो जाएगी. प्रिकॉशंस, इसमें क्या करना, प्रिकॉशंस क्या है, ऑलवेज यूज अ एयर टाइट अपैरेटस. अपैरेटस एयर टाइट हमने कंसिडर करना है. बिकॉज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर एक्सप्लोड्स वायलेंटली व्हेन ब्रॉट नियर अ फ्लेम, क्योंकि जो हाइड्रोजन एंड एयर है वो बहुत जल्दी एक्सप्लोड हो जाते हैं जब वो फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द अपैरेटस, से कोई भी गैस लीक नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो देयर शुड नॉट बी एनी नेक्ड फ्लेम एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट नियर इट एज ए इन्फ्लेमेबल गैस, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल गैस है, ये इसके कारण कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बर्निंग के लिए हेल्प करे वो पास में नहीं होना चाहिए. अ स्लाइट लीकेज ऑफ द गैस विल रिजल्ट इन द एक्सप्लोजन, अगर थोड़ी सी भी गैस लीकेज हो रही है तो एक्सप्लोजन हो सकता है. द प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इज इन अपैरेटस एज एक्सपेक्ट. यू कैन टेस्ट दिस बाय कलेक्टिंग सम गैसेस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टेकिंग इट नियर द फ्लेम. इफ द गैस बर्न क्वाइटली इट मीन्स देर इज नो मोर एयर इन द फ्लास्क. ओके, द प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस शुड बी, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसको हमने कलेक्ट करना है ओनली आफ्टर ऑल द एयर इन द अपैरेटस, जब एयर उस अपैरेटस में, हमने अपैरेटस में से सारी एयर को फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैप कर देनी, उसके बाद ही हाइड्रोजन गैस वहाँ पर कलेक्ट करना है. टेस्ट करने के लिए अगर कलेक्टिंग सम गैस इन द टेस्ट एंड टेकिंग, अगर हम फ्लेम पहले गैस को कलेक्ट करके उसको टेस्ट करने के लिए फ्लेम के नियर में लेके जाएंगे, अगर वो जो गैस है वो बर्न हो गया क्वाइटली ईजली तो इट मीन्स दैट जो एयर के अंदर कोई भी फ्लास्क में कोई भी एयर नहीं है. The end of the thistle funnel should be completely dipped into the dilute acid so that the gas should be prevented from escaping from the thistle funnel. जो end में thistle funnel से हमने dilute acid के बाद dipped किया है, क्यों किया है, उसको पूरा पैक्ड इसलिए किया है कि जो गैस है should be prevented. जो गैस है वो prevent रहे, बाहर निकल ना निकले वहाँ पर prevent रहे through the thistle funnel. So these all are the precautions why produce the hydrogen in laboratory gas. लेबॉरेटरी इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन को इंडस्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना है, बोसक प्रोसेस, लैंड प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैसेस. ये क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
वाटर प्रोसेस, लैंड प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड बेसिक प्रोसेस ओनली. अभी हमने सिर्फ ये दो प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है. ओके, द अदर टू प्रोसेस आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द सिलेबस. बाकी की जो दो है, लैंड प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैस, ये आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे. इलेक्ट्रोलाइसिस, वी नो दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस और ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चा, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन से, किस लिए कि कुछ वहाँ पर केमिकल चेंजेस आए. द केमिकल चेंज इन्वॉल्व इन द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सब्सटेंस अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस. जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है उस सब्सटेंस के टाइम पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स में, ये देखो लुक एट दिस, इसमें हमको दो इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत है, एक एनोड और एक कैथोड है. द कटायंस पॉजिटिवली चार्ज एंड मूव टूवर्ड कैथोड एंड आयन नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड्स एनोड. मैंने क्या बोला था, जो कटायंस है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, वाइस वर्सा होता है इसमें. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज एक्सटेंसिवली यूज इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन. जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो ज़्यादातर मेटलर्जिकल प्रोसेस पर्पसेस में यूज होते हैं एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए भी इसका रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लिए, इट इज़ द अपैरेटस इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पर ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस को हमने प्लेस करना है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट. देयर आर द सब्सटेंस डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. दिस सब्सटेंस डिसोसिएट इन टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस. इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वाइल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. जब हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं तो ये जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, किसमें किसमें, या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम आयंस बोलते हैं. नाउ इलेक्ट्रोड, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. में जो ये इलेक्ट्रोड यूज होते हैं ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इट इज़ कनेक्टेड ईदर एंड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिंग मीडियम्स. इट हेल्प टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन टू एंड आउट ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हेल्प करने के लिए फ्लो कर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं. द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड एनोड वाइल द वन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड कैथोड. इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ है उसको हम एनोड बोल रहे हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ कनेक्ट हुआ इसको हम कैथोड बोल रहे हैं. लुक एट दिस डायग्राम, ये एनोड और ये कैथोड ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं. जो पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ जा रहा है, जो एनायन नेगेटिव है ये एनोड की तरफ जा रहा है. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है. कमर्शियली हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर. हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर. एसिड्यूलेटेड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अ फ्यू प्लेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर. अब ये जो एसिड्यूलेटेड वाटर है ये कैसे प्रिपेयर होगा, जब हम कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के या फ्यू प्लेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एसिड्यूलेटेड वाटर बन जाएगा. एडिशन ऑफ द एसिड टू वाटर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. जब हम वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की. When electricity is passed through the acidulated water, water dissociated into oxygen and hydrogen. जब electricity को pass करेंगे जो acidulated water में, तो जो water है वो oxygen और hydrogen में टूट जाएगा, breakdown हो जाएगा. तो यहाँ पर hydrogen gas purest form में liberate होने लग जाएगी. Look at this diagram. Look at this equation. H2O water लिया, वाटर में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्योंकि जो वाटर क्या है ये एसिडुलेटेड वाटर है, बिकॉज वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस वाटर, देन इट बिकम एसिडुलेटेड. व्हेन आफ्टर दिस एसिडुलेटेड वी पास इलेक्ट्रिक करंट,
Because of this electric current, the water dissociated into two parts, that is oxygen and hydrogen. जो H2 है वो कैथोड बन गया, जो O2 है वो एनोड बन गया. क्योंकि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, कि हमने NaCl सॉल्यूशन लिया था, जो Na है वो Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया था जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी. सेम यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का. ओके, नेक्स्ट वन इज बोसक प्रोसेस. दिस बोसक प्रोसेस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. Thank you and have a nice day.